ये खूबसूरत नज़ारे माउंटेन पार्क के, व्हाट ए ब्यूटीफुल पार्क गाइस। तो गाइस टेरी डैम आए भाई ने, ये लकड़ी जाएगी अपने उत्तराखंड देहरादून में जाएगी। तो गाइस हमें मिला एक और फल यहाँ पे उत्तराखंड का, क्या क्या पापा क्या यू हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं हूं आपका पहाड़ी से विनोद और आप सब पूरे उत्तराखंड की ओर से प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों आज के दिन का एक और ब्लॉग, क्योंकि पहले वाला ब्लॉग जो आपने देखा ही होगा वो काफी लंबा हो चुका था, तो इसलिए आप दोनों भाई की छुट्टी है तो पहला ब्लॉग भाई ने एंड कर दिया है। तो अभी हम लोग अभी बाहर है, यहीं पहाड़ियों पे चढ़ रहे हैं, तो आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाई रहे हैं, आपको सब कुछ दिखाएंगे जो आपने पहले वाला ब्लॉग देख लिया होगा। बर्नबी माउंटेन पार्क में हम वैंकूवर ब्रिटिश कोलंबिया में सन घूम रहे हैं, बर्नबी आए हुए आज। तो पहले वाला ब्लॉग आपने देख ही लिया, तो अभी आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाएंगे यहाँ के और नज़ारे। बहुत ही अच्छी पहाड़ी है यहाँ पे, अभी चढ़ाई पे चढ़ रहे हैं, घर वाले सब आगे चल गए, तो अब आप लोगों को दिखाते रहेंगे यहाँ के नज़ारे। काफ़ी अच्छा है आज वेदर, बहुत ही अच्छी धूप लगी हुई है, बहुत ही मस्त नज़ारे आ रहे हैं आज, अब आपको दिखाते रहेंगे सारे। साला प्रियांशी पूरा कचरा उठाओ, ठीक है। तो गाइस कचरा उठाना जरूरी है क्योंकि ये हमारा कचरा, अगर हम कचरा नहीं उठाएंगे हमारी अर्थ सिक हो जाएगी और हमको ये नहीं चाहिए क्योंकि हमारी जान भी जा सकती है इससे। गुड, अर्थ सारी क्लीन रखनी होती है सर। गाइस प्रियांशी ने बोला जहाँ पे भी खाना खाते हो सफाई करना जरूरी है, सारा सफाई उठाओ, सफाई जरूरी है, पूरा उठाओ और डस्टबिन में डालो, ठीक है। देखो हमारा बबलू लेके जा रहा है कचरा, गार्बेज जो हमने यहाँ पे खाना खाया था पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा, ये उसको लेके चल रहा है। ये देखो हमारे बच्चे भी सफाई पे लगे हुए हैं, गुड जॉब। ये देखो आगे चल रहे भाई लोग, काफी चढ़ाई है। दोस्तों कैसे आप लोग, उम्मीद है आप लोग सभी लोग स्वस्थ और मस्त और जहाँ भी होंगे जबरदस्त होंगे। तो हम आज एक और ब्लॉग बना रहे हैं, आज के दिन पहला भाग तो आपने देख ही लिया होगा, पहला पार्ट ये है, सेकंड पार्ट क्योंकि आज है भाई की और मेरी छुट्टी, तो आज आ रहे हैं हम घूमने जंगल में। तो हमने पहला ब्लॉग क्योंकि काफ़ी लंबा हो चुका तो वहीं पे एंड कर दिया था, तब यह दूसरा पार्ट इसका देख सकते हैं आप। अभी हम चढ़ाई चढ़ रहे हैं, काफ़ी थक चुके हैं हम इससे, पर अभी हमने चढ़ना बाकी है क्योंकि अभी तो काफ़ी दूर है, अभी कहाँ तक है पता नहीं, कहाँ जा रहे हैं हम, जो रास्ता है इधर चढ़ाई वाला ऊँचाई जा रहे हैं, ट्रैकिंग कर रहे हैं। तो बस बने रहो हमारे साथ, कनाडा के जंगल दिखा रहे हैं मैं आपको, कनाडा के नज़ारे, कनाडा के हमारे सेम उत्तराखंड जैसे नज़ारे यहाँ पे। आज बने रहो फिर चलते, देखो यहाँ पे लोग चल रहे हैं, काफ़ी लोग आते हैं यहाँ पे, बुरे लोग तो चलते रहते हैं, वॉक करते हैं, उनको शौक होता है काफ़ी से ट्रैकिंग करने का पहाड़ों पर जंगलों पर। तो बने रहो खूबसूरत नज़ारों, ये देख सकते हैं आप बड़े बड़े पेड़ हैं यहाँ पे, तो यहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं, यहाँ पर लगा रखे साइन। ये देखो दोस्त खाद के जंगल आ गए, हम अपने अपने गाँव की याद आ गई पहाड़ की, खादो जंगल अपने भाई लोगों को तो पता होगा जो तुनियार वाले भाई लोग हैं, जैसा अपना खाद के जंगल जब जाते थे गांव में ना लकड़ी के लिए, तो देखो ये देखो ये है कनाडा के नजारे पास ही जंगलों में। अभी हम उस साइड जा रहे हैं पर रास्ता नहीं मिल रहा है, दूसरी साइड जाना है जहाँ पे भेदभाव हो रहा है। अरे रास्ता नहीं है, यहाँ वापस जाना पड़ेगा, हम आए थे दूसरी वाली साइड पर, दूसरी साइड जा रहे हैं जहाँ पे भेदभाव हो गए, पर यहाँ पे रास्ता नहीं है, तो यहाँ पे जंगल ऐसे रास्ता कोई नहीं है, तो वापस जाना पड़ेगा हमें, फिर से हमें वापस जाना पड़ेगा। देखो लकड़ी भी है यहाँ पे, हर किसी को लकड़ी भी चाहिए, देखो भाई लकड़ी ये देखो, जैसे हम खाद के जंगल जाते थे अपने यहाँ, तो देखो तुनियार वालों भाइयों देखो लवाना जाना है, शादी शुदी हुई थी आजकल रजी बोला के शादी, तो लकड़ी देखो यहाँ क्या लकड़ी है बोला, देखो ये देखो। उस आज के खबर में हमें देखो बेर आ रहा है, ये देखो बेर भी आ सकता है, तो सावधान रहना पड़ेगा हमको। तो भाई ये जंगल में सावधान रहना होगा क्योंकि यहाँ बेर भी आ सकता है, कोई भी जंगली जानवर हो सकता है। ब्रेकिंग न्यूज़, बच्चों को नहीं छोड़ना चाहिए अकेला, ठीक है, बच्चों को मत छोड़ो, है हेलो को मत छोड़ो अकेला, यहाँ जंगली जानवर आ सकता है, हाँ कुछ भी आ सकता है। इधर गाइस हम जंगल में काफी देर बाद यहाँ पे सीधा रास्ता मिला, अदर भाई ने यहाँ पे लकड़ी ला दी है, देख दो कनाडा के जंगल में लकड़ी ला दी भाई ने, ये लकड़ी जाएगी अपने उत्तराखंड देहरादून में जाएगी, देखो कनाडा के जंगल से शादी में ले जाएगी। यहाँ पे हमारा बबलू महाराज जिद कर रहा है कि इसको यहाँ बिछाओ, उसको चटाई नीचे बिछानी है, देखो यहाँ नीचे बैठे जाने का नाम नहीं ले रखा, ओए क्या खा रहा है, खा क्या रहा है नीचे से, देखो लड़के चल भाग भाग आगे।
ज्यादा आगे मत जाओ प्रियांशी, अकेले मत जाओ, अकेले मत जाओ, आगे उधर आएगा जानवर पकड़ेगा तुम्हें बियर। गाइस देखो ये कनाडा के जंगलों में हिंसर भी है जो हमारे उत्तराखंड में होती है, ये देखो सेम वो काली वाली तो मैंने बहुत देखी, पर आज मेरे को जो अपने यहाँ होती है ना पीली वाली वो वाली भी है, काफ़ी है आजकल तो कम हो गए, थोड़े दिन पहले बहुत थी, बहुत होती है यहाँ पे, ये देख सकते हैं आप आजकल कम है। ये देखो लाल वाली भी है उधर, काफ़ी है जंगल में देख सकते हैं आप लगी हुई है। तो गाइस हमें मिला एक और फल यहाँ पे उत्तराखंड का, क्या क्या पापा क्या यू बकरवा दिया, बकरवा दिया गाइस, ये है बोल बकरवा दिया हमारे उत्तराखंड में, पता नहीं हिंदी और इंग्लिश में क्या नाम बोलते इसका, पर जो हमारे उत्तराखंड या गढ़वाली भाषा में बोल सकते हैं बकरवा दिया। ये देखो हमारे बाबू इनके पीछे डंडी लेके पीछे पड़ गया, देखो मारो इनको मारो, हाँ ये लोग गंदे काम कर रहे हैं, अभी तो छोटा है अभी थोड़ा रुक जाए दो चार साल बाद फिर देखो तुम बबलू क्या करेगा तुम्हारा। कैसे लग रहा है आप लोगों को जंगल में कैसे लगा आप कौन मारा कौन तुम्हें यार बहुत बढ़िया है ना अपना उत्तराखंड याद आएगी लवाना जंगल हाँ कभी माँ जी घास ले जंगलों काट के ना घास लाखड़ा मम्मी ने बहुत घास लाया गाइस जंगलों से ऐसा आज हम लाए कनाडा के जंगल में माजी को बस यहाँ भी मम्मी का मन करे भैंस होता तो मैं घास ले जाती आज इधर से पर भैंस है नहीं हमारा यहाँ पे घोड़े लोग लगे हैं वॉक करने पे। हेलो गाइस हाय देख सकते यहाँ पे घर बेटी विदेश आयो जाज माँ घर बेटी विदेश आयो जाज माँ मेरो भाई कितने बुजुर्ग लोग भी यहाँ पे चढ़ाई चढ़ रहे हैं। देखो यहाँ पे दो दो डंडे हाथों में उठाए हुए फिर भी इन्होंने पूरी चढ़ाई कंप्लीट कर दी है, चढ़ाई आई काफी नीचे से, देखो वो नीचे दिख रहा है ना नदी नीचे वो दूर है वो, देखो प्रियांशी जब तो कहानी जैसी थी ना तब तो गोदी पे चलते थे, कहानी खुद कहानी को हमने पूरी चढ़ाई कहानी ने खुद अकेले कवर की। तो हम तुम्हें ढूंढना था क्या किधर गए तुम लोग, हम उधर उधर से तुमने क्या ये वाले ये रास्ते से आए मम्मी लोग, हम गए थे ये रास्ते पे इसलिए गाइस भटक गए थे थोड़ा देर, अब यहाँ पे थोड़ा आराम कर रहे हैं सभी लोग काफी थक चुके हैं, थोड़ी देर रेस्ट करते हैं फिर चलते हैं नीचे की तरफ, अब वापस चलते हैं, चलो फिर थोड़ी देर आराम करते हैं। देखो गाइस यहाँ कनाडा में भी कालिस्तान नहीं मिलती, कभी हमारे टाइम में मिलती स्कूल के टाइम पे बच्चे लोग नाम लिख देते थे यहाँ पे लिखा S प्लस बी, ऐसे हमारे टाइम पे भी है स्कूल में बच्चे लोग लिखते थे पेड़ पे नाम किसी का भी लिख देते थे, देखो यहाँ पे भी लिखा है पेड़ में पूरे नाम लिखा ऊपर तक। ये क्या कितना, तो गाइज हम अब नीचे की तरफ जा रहे हैं, तो ये देखो यहाँ से अब ऊपर है तो हम आगे पर नीचे जाना भी काफी मुश्किल हो रहा है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक थोड़ा सा मैदान जैसा है तो यहाँ पे हम करेंगे रेस्ट, हल्का सा रेस्ट करेंगे मैदान में अब। गाइज पहुंच चुके हैं हम अपने, बड़ी मुश्किल गाइज ऊपर चढ़ना तो काफी जी था, नीचे काफी मुश्किल हुआ, देखो हमारी गाड़ी वहाँ पे दिख रही होगी अपनी, और रेड कलर की गाड़ी अपनी है ये वाली रेड वाली गाड़ी अपनी है, अब बस थोड़ा रह गया हमें नीचे जाने के लिए, तो नज़ारे आप खूबसूरत देख सकते हैं आप, यहाँ पे काफ़ी लोग आ रहे हैं पिकनिक मंगाने के लिए देख सकते हैं आप यहाँ पे, और प्रियांश चले गए वहाँ पे खेलने के लिए, देखो वहाँ पे प्रियांश अकेली खेल रही है, और कहानी जा रही है इधर से अपनी दादी के साथ, तो देख सकते कहानी और कहानी की दादी, ये खूबसूरत नज़ारा बच्चे लोग खेल रहे खूबसूरत नज़ारे के साथ, ये देख सकते आप लोग लगे अपने वॉक करने पे यहाँ पे, और यहाँ पे कहानी और प्रियांशी चल चुकी है उसके ऊपर, मम्मी बैठ रखी है उधर पत्थर के ऊपर, है देख सकते हैं मम्मी यहाँ पे है,
ये देखो प्रियांशी सबसे टॉप पे जाना बेटा टॉप पे, ये देखो कुछ नहीं होता नीचे गिरेगी चोट नहीं लगेगी, चढ़ जाओ ऊपर चढ़ो, ये देखो कहानी जीत जाएगी 100%। कहानी भी तो आ गई, आप तो बड़े कहानी देखो आपसे छोटी आ गई। हाँ वो जीती वो है, कहानी जीत गई है ना, क्योंकि छोटी है उतनी दूर से यहाँ पे आई, सबसे पहले ये सोचो आप। देखो प्रियांशी उतनी दूर से देखो, वहां से आई थी, वहां से उधर से इतनी दूर से गई थी, वहां पे देखो इधर से स्टार्ट किया था कहानी ने, वहां से घूम के और यहाँ पे आई। देखो यहाँ पे जाना है भी मिशन, अब फाइनली पहुंच चुकी है। अरे वाह देखो देखो वेरी गुड, 3 साल की है अभी हमारी नाभिया, देखो उसने कहाँ से कहाँ पे अपनी, ओ देखो वेरी गुड। ये देखो कैसा लगा आपको वहां से यहाँ पे आने में? अच्छा। वाह आपने दीदी को ना बीट कर दिया, दीदी हार गए ना। गुड जॉब। तो गाइज पहुंच चुके हैं अपने गाड़ी के पास में, यहाँ पे लगी हमारी गाड़ियाँ। तो गाइज अभी चढ़ाई पे चढ़े थे तो पाँव बहुत दर्द हो गए, क्योंकि बहुत टाइम के बाद हमें चढ़ाई चढ़े, कभी चढ़े चढ़ाई क्या, पैदल कभी पैदल चले नहीं यहाँ कैनेडा में, क्योंकि यहाँ पे घर पे गाड़ी है, घर से गए काम पे गाड़ी में, जहाँ भी जाते दुकान पर जाते गाड़ी, पैदल कभी चलने की आदत नहीं है। तो आज काफ़ी चले हमने पैदल यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा थक चुके हैं, यानी कि पाँव में दर्द हो रहा है। ऊपर तो गए थे, नीचे आते समय काफ़ी दिक्कत आई नीचे आते समय, क्योंकि ऊपर तो चढ़ा गया था, नीचे आते समय क्या बोलते हो गढ़वाली में खुलखुली लगी थी पाँव में, जब नीचे आ रहे थे तो चढ़ाने जाता था, पाँव ऐसे कांप रहे थे। तो चलो अभी फाइनली पहुंच चुके हैं, यहाँ पे सभी लोग खेल रहे हैं, इधर पीछे बच्चे लोग खेल रहे हैं, इधर पीछे भाभी और रेनू इधर बैठी है, देख सकते हैं आप, पापा और भाई वहाँ आगे बैठे हुए हैं उधर में, और मैं यहाँ पे बैठा हूँ। थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, थोड़ा वाशरूम बने हुए, तभी थोड़ा फ्रेश होके आते हैं इधर से, फिर चलते घर। दोस्तों काफ़ी देर आराम करने के बाद अब चलते हैं, काफ़ी देर यहाँ पे रेस्ट कर चुके, काफ़ी थक चुके थे हम ऊपर, अब चलते हैं घर की तरफ। हवा बड़ी ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, खूब सारा नज़ारा, छोड़ने का मन तो नहीं कर रहा, पर क्या करें जाना पड़ेगा, क्योंकि अब तो शाम की में क्या 6 बज चुकी है। तो चलते हैं भाई, ये नज़ारे यहाँ पे खूबसूरत, ये पीछे बर्नाबी सिटी, और यहाँ पे लकड़ी के बनाए, अपने पिछले ब्लॉग में तो देखे होंगे, तो मैं सोचा ये ब्लॉग में बना लेता हूँ, जिसने पिछले ब्लॉग नहीं देखा तो ये ब्लॉग में देख लेगा। ये देख सकते हैं यहाँ पे बने हुए, तो यहाँ पे गोरे लोग अपना पिकनिक कर रहे हैं, गोरे लोग देखो मजे से सोए, सुबह आ जाते इधर, दिन भर इधर बैठे रहते पार्क में। तो यहाँ पे लकड़ी के बना रखे कुछ, पता नहीं क्या बना रखे इनपे घुसे पे, ये तो उल्लू है इस समय, क्या ये उल्लू है ना शायद, और ये यहाँ पे भालू है शायद, और बहुत कुछ बना रखे, और खूबसूरत नज़ारा सामने अपने पहाड़, उत्तराखंड की याद ताज़ा दिला देते ये पहाड़ यहाँ पे, देख सकते ये खूबसूरत नज़ारा सामने, पहाड़ों पर बर्फ़ भी गिरी है अभी, पहले वाले ब्लॉग में देखा उस ब्लॉग में दिख रही थी, अभी नहीं है, पहले सुबह थी, उधर है, उधर देख रहे शायद बीच में दिखाई दे रहा होगा आपको, तो वहाँ पे सुनो पड़ी है उधर, तो देख सकते हैं नज़ारे कुछ इस तरह के यहाँ पे, चारों तरफ का नज़ारा गाइस, टिहरी डैम, टिहरी डैम नहीं पर कनाडा का टिहरी डैम है, सेम टिहरी डैम की तरह, देखो ये टिहरी डैम बना हुआ है सामने हमारे पहाड़, इधर प्रताप नगर साइड के पहाड़ देख सकते हैं आप, और ऊपर वहाँ बर्फ पड़ी है, देखो यहाँ पे ऊपर में बर्फ है पहाड़ों पे, अरे देखो हाँ मस्त नज़ारे। वैसे भी यहाँ पे हल्का स्नैक्स हो रहा है, यहाँ पे ऑरेंज खा रहे, कोई लोग चाय कॉफी पी रहे है, यहाँ पे देख सकते सभी लोग, स्नैक्स टाइम हो गया, शाम की बज चुकी है 7, और 7 बजे हमारा यहाँ पे हो रहा है स्नैक्स, खूबसूरत नज़ारे के साथ, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इधर आओ यहाँ पे, तो कहीं यहाँ पे हमारा स्नैक्स भी हो चुका है, अब घर जाने की तैयारी, सभी लोग रेडी है, चलो भाई चलो, यहाँ पे देखो पापा किधर है, हैं पापा का चला, और पापा देखो वहाँ पे सो रखे है, इधर नींद पड़ी है पापा को, गया पापा वहाँ पे लम्बे पड़े हुए है,
अब चलते हैं घर, काफ़ी देर आराम हो चुका है यहाँ पे, खूबसूरत धूप में यहाँ पे काफ़ी बढ़िया धूप लगी है, देख सकते आप। चलते हैं अब घर, चलो बबलो चलो। अरे हम घर बैठ चुके गाड़ी में, बाय बाय बाय। तेरी भाई की गाड़ी यहाँ पे, ये अपनी गाड़ी, बस निकलते हैं अब घर। मेरे फोन में बैटरी भी कम है, फिर मैं सीधा मिलूंगा आपको घर में। घर में नहीं, हम जाएंगे हम शायद मंदिर, मंदिर जाना क्या, मंदिर चल लक्ष्मी नारायण मंदिर, थोड़ा मंदिर के भी दर्शन कर लेते हैं। चलते जाइए, पहुंच चुके हैं हम लक्ष्मी नारायण मंदिर। ये देख सकते हैं रात 8 बज रही, अभी तक धूप कैसी लगी हुई है। मंदिर की वीडियो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हो, अभी थोड़ा दिन 2-4 ब्लॉग पहले बनाए थे हमने यहाँ पे भी एक वीडियो, तो आप देख सकते हो पूरा देख रहे हो। तो यहाँ पे आज हम पहुंच चुके हैं, थोड़े यहाँ पे अंदर जाके दर्शन करके आते फिर चलते घर। जब जा रहे हैं हम घर, मंदिर में भी हो चुका है, मंदिर में लंगर भी खा लिया, पूजा पाठ भी हो गई, बस लंगर चलते हैं अब सभी लोग घर। चलो पहुंच गए भाई, हेलो दोस्तों, हम सभी लोग पहुंच चुके हैं घर पे, हम सभी लोग नहा धो रही है, मैंने अभी नहाना बाकी है, बच्चे लोग तो मैं क्या नहा धो के सो भी गई है क्योंकि काफ़ी थक चुके हैं बच्चे। आज गए थे हम जंगल में, काफ़ी ट्रैक किया, आप लोगों ने देख लिया होगा वीडियो, तो आप लोगों को कैसी लगी वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आप वीडियो को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। हम मिलते हैं किसी अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस।